दोस्तों स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के जबरदस्त एपिसोड में। सो मेरे पीछे ये जो पूरा आप छोटा सा फैक्ट्री सेटअप देख रहे हो, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स बनते हो पूरे बिना बिजली के बनते हैं। और ये जो छोटे से फैक्ट्री का जो ईयरली टर्नओवर है वो अराउंड 50 से 60 लाख तक का है। और यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन ज्यादा है इसलिए इतना टर्नओवर हो रहा है। बट अगर आप ये जो एक मशीन से या फिर एक छोटा सा सेटअप भी अपने घर से या फिर अपने गाँव से शुरू करते हो तो आप बेसिकली मंथली 50 से 60 हज़ार की इनकम आराम से कर सकते हो। और यहां पर जो सारे मिट्टी के जो प्रोडक्ट्स बनने का जो बिजनेस यहां पे चलता है, ये पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का यहां पे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रोडक्शन दिखाने वाला हूं, कैसे आप भी घर से छोटा सा सेटअप लगाकर बिजनेस शुरू कर सकते हो, मिट्टी के जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग टाइप के एक ही मशीन से बना सकते हो और आप मार्केट में बेच सकते हो। क्योंकि मिट्टी के जो प्रोडक्ट्स बनाने का जो बिजनेस है या फिर मिट्टी के प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड में रहते हैं। इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिमांड है बट बाहर के देशों में भी इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो एक्सपोर्ट करने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका कमाई करने का भी स्कोप बढ़ जाता है। सो इसी बिजनेस की डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं जयेश इंजीनियरिंग से, जयेश सर से मिलने, जहां पर सर हमें बताएंगे कि कैसे आप ये जो प्लांट है ये पूरा घर से भी शुरू कर सकते हो और बड़े स्केल से भी शुरू कैसे कर सकते हो और मंथली 50 से 60 हज़ार की इनकम घर से कैसे करना है। हम लोग ये पूरा प्रोडक्ट भी बनाते हैं सब मिट्टी का और उसका सब मशीन भी बनाते हैं। आज मैं आपको सब गाइड करने वाला हूं कि सब प्रोडक्ट कैसे बनती है मिट्टी की। इसी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि मिट्टी के प्रोडक्ट अलग अलग मशीन में कैसे बनते हैं और उसको कैसे बाहर सेल करना है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना, आपको मैं सब समझा रहा हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहिए आप। ये बिजनेस शुरू करने के लिए मेन जो मटेरियल है वो क्ले है, मिट्टी है, वो हमारी लोकल क्ले है रेड कलर की। वैसे फिल्टर क्ले हम मंगवाते हैं बाहर से, उसके बाद वो जो क्ले है क्ले कलम से वो मशीन के अंदर जाएगा। ओके। उसमें वो दाने बनते हैं। दाने मतलब मिट्टी को चूरा बनता है। हाँ, मिट्टी का चूरा बनता है, ये उसका मशीन है ये जिसमें चूरा बनता है। उसके बाद वो चूरा टब में भर के मशीन के पास जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। आप ये मशीन देख सकते हो, वो मशीन बहुत छोटा सा है और उसको बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी जगह में आप काम कर सकते हो और ये मशीन हैंड प्रेस मशीन है, उसको बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। जो मिट्टी का चूरा है वो डाई में डालने के बाद मशीन का जो हैंडल है, हैंड प्रेस है, उससे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपका दिया तैयार हो जाता है। उसके बाद साइड में हमने ये लीवर दिया हुआ है, वो जैसे आप दबाओगे तो तुरंत आपका दिया बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको दिया को साइड में रखना है। अभी आप जो डाई देख सकते हैं वो मेल फीमेल डाई है, जो कि ये डाई मशीन का ये बेस प्लेट बोलते हैं वहाँ पर उसने क्लेम किया है। और ऊपर की साइड है उसका पंच है जिसमें डिज़ाइन आती है। मशीन से दिए बनने के बाद उसको यहाँ पर स्टैंड पे रखे जाते हैं सुखाने के लिए। ये एक टाइप का स्टैंड है, दिए को सुखाने के लिए स्टैंड में दिए रखते हैं हम। जब मशीन में दिया कंप्लीट हो जाता है उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर को सुखाने के लिए उसके बाद यहाँ से दिया धूप में जाता है। धूप में एक दिन के बाद सुखाने के बाद आप देख सकते हो, धूप में एक दिन सुखाने के बाद ये पपड़ी होती है वो दूसरे दिन सफाई उसकी होती है। ऐसे उसको सफाई करता है, स्पंज से सफाई करते हैं, उसके बाद उसको वापस स्टैंड में रखते हैं सफाई करने के बाद। भाई आपने जो देखा कि दिए की सफाई हो रही है, सफाई होने के बाद वो सब माल यहाँ से उठा के उसको भट्टी में डालेंगे। वो भट्टी आप देख रहे हो, वो भट्टी में डालने के बाद भट्टी लोड करने में 4-6 घंटा लगता है। लोडिंग होने के बाद अंदर वो भट्टी कोयले से जलती है, फिर वो जो भट्टी है उसको जलने में भी फायरिंग में उसको 4-6 घंटा टाइम लगता है। जलने के बाद वो 2 दिन तक वो गर्म भट्टी रहता है, बाद में 3रे दिन वो माल सब बाहर निकलता है। आप अभी देख सकते हो जो ये जो माल है मेरे हाथ में जो दिया है वो त्रिशूल डिज़ाइन हम बोलते हैं उसको, वो भी पक्का दिया है। तो देखते हो कितना फिनिशिंग है, कितना बढ़िया क्वालिटी का उसका कलर आ गया है और उसका स्ट्रेंथ भी आ जाएगा पकने के बाद। अभी आप पैकिंग भी देख सकते हो कि वो जो दिया बना है वो सब पैकिंग हमारा गोडाउन है वहाँ पर दिया गया है। वहाँ पर दिए बिछाते हैं, उसके बाद चावल का घास डालते हैं, उसके बाद फिर दिया की लेयर लगाते हैं, ऐसे पूरा बॉक्स में पैकिंग होता है, उसका सेलिंग होता है पट्टी से। तो सर अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि दिया जो है वो सिर्फ सीजनली बिकता है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो पूरे साल चलता है कि सिर्फ मतलब एक टाइम के लिए ही चलता है बिजनेस? नहीं, ये जो दिए का जो बिजनेस है पूरे साल दिया बनता है,
और जो दिवाली का टाइम होता है उसके दो चार महीने पहले उसकी बिक्री स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बहुत बिक्री होती है। बहुत बिक्री होती है, मतलब कितना बिकता है तो? हमारी फैक्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पर इतने मशीन चालू हुई, इतने वर्कर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी समझ लो ईयरली 80 लाख का प्रोडक्शन है, 70-80 लाख का प्रोडक्शन ओनली दिएगा। 70-80 लाख। और दूसरी जो प्रोडक्ट बनती है वो अलग से है, जैसे कि कुल्लड़ है, बाउल है, ग्लास है, उसकी अलग बनती है। फिर वो जो बॉक्स रेडी हो गया वो मार्केट में सेल करने के रेडी हो गया है, फिर आप कहीं पर उसको बेच सकते हो। उसके साथ मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि जो हमारा जो मीडियम वाला मशीन है 5 फीट वाला, उसके अंदर कैसे कुल्लड़ बनते हैं। आजकल उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है, चाय वाले शॉप के अंदर। देखो ये कुल्लड़ बन रहा है मशीन के अंदर, बन गया, अब पीस बाहर निकल गया। अब ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, उसके बाद उसको हैंड से, उसके हैंडल से प्रेस करते हैं, हैंड मशीन से। देखो आपका कुल्लड़ रेडी हो गया, उसका आप डिज़ाइन, उसका फिनिशिंग आप देख सकते हो कितना क्वालिटी का है। ये भी दिए गए जैसे कि पहले वो धूप में जाएगा तो उसका मॉइस्चर है उसको सुखाने के लिए, उसके बाद मॉइस्चर सूखने के बाद उसका जो ये फिनिश करना पड़ता है प्रोडक्ट को, उसकी सफाई होती है। सफाई करने के बाद वो भट्टी में जाएगा, भट्टी में जाने के बाद फिर वो बॉक्स पैकिंग पैक होगा, उसके बाद मार्केट में सेल होगा ये प्रोडक्ट। आप देख सकते हो मेरा टोटल फैक्ट्री सेटअप यहाँ पर है, टोटल मेरे यहाँ 10 मशीन चालू हुए अभी। यहाँ पर दिए बनते हैं, कुल्लड़ बनते हैं, बाउल बनते हैं, ग्लास बनते हैं, वो सब यहीं पर बनता है। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और पूरे इंडिया के अंदर की सेल करते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट के अंदर, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, हर जगह यहाँ सप्लाई होता है हमारा माल। आप ये सब काम का एक मशीन भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी एक मशीन स्टार्ट किया था पहले, उसके बाद क्या धीरे धीरे डिमांड आना बढ़ गई, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने मशीन बढ़ाए। पहले मेरे पास एक ही मशीन था, उसके बाद मैंने दूसरा लिया, तीसरा लिया, और दो लिया, ऐसे टोटल मिला मेरे पास 10 मशीन चालू है इस फैक्ट्री के अंदर। वी का हमारा प्रोडक्शन है वो पर डे का 30,000 पीस का है, मतलब एक मशीन के अंदर 3,000 पीस बनते हर रोज़ के, और मेरे पास टोटल अभी 10 मशीन है, तो पर डे का 30,000 पीस यहाँ पे बनता है मेरी फैक्ट्री के अंदर। तो सर अभी हमारे व्यूवर्स को ये मिट्टी बनाने के जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग, जैसे हम लोगों ने दिए बनाए, कुल्लड़ बनाए, उसका बिज़नेस शुरू करना हो तो वो कैसे शुरू कर सकता है? अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप पहले अपना लोकल जो मार्केट आप सर्वे करिए कि वहाँ उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है। दूसरा पॉइंट है मिट्टी, जो उसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो आपको हमको भेजना पड़ेगा हमारे एड्रेस पे, जो हमारा फैक्ट्री गुजरात में है। तो हम आपका पहले मिट्टी चेक करेंगे, उसके बाद वो मिट्टी का दिया और आपको जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि मिट्टी के दिए है, कुल्लड़ है, बाउल है, आप जो बोलोगे उसका हम ट्राई करेंगे हमारे मशीन के अंदर। अगर वो सक्सेस होता है उसके बाद आपका मोल्ड फिक्स होगा कि आपको कौन सा डिज़ाइन का मोल्ड पसंद है, या फिर आपको कुल्लड़ करना था कुल्लड़ का मोल्ड फिक्स होगा, उसके बाद हम उसका मोल्ड बनाएंगे और आपका उसका मशीन बनेगा। अगर वो कुल्लड़ होगा तो उसका मशीन बड़ा आता है, और अगर दिया होगा तो उसका मशीन छोटा आता है। फास्ट में सब कुछ फिक्स होगा, प्रोडक्ट के हिसाब से मशीन बनाओगे। हाँ, उसको मशीन फिक्स होगा कि छोटा लेना या बड़ा लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका सब मटेरियल रेडी होगा, उसके बाद हम यहाँ सप्लाई करेंगे, फिर आप वो बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हो आपके लोकल एरिया में। मिट्टी के प्रोडक्ट्स हम लोग अलग अलग बना रहे हैं, उसका बिजनेस शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह लगता है क्या? लगता है नहीं, उसके अंदर कोई लाइसेंस नहीं होता है। एक ऐसा बिजनेस है कि आप ये कहीं पर इसको स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको छोटा सा गांव है तो वहाँ पर भी आप ये बिजनेस हमारा स्टार्ट कर सकते हो, मिट्टी के दिए बनाने का, कुल्लड़ का, बाउल का। अच्छा। और उसकी बहुत सारी खपत है। तो सर अभी सबसे मेन बात आती है कमाई की, अगर हमारे व्यूवर्स ये मिट्टी का अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेचते हैं तो इसको बनाने का खर्च कितना आता है और मार्केट में कितने तक सेल होता है, प्रॉफिट कितना होगा, महीने का कितना कमा सकते हो, ज़रा अच्छे से समझाइए। उसमें क्या होता है, अगर आप लोकल मेड इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको ये 40-50% आपको घर में गिरेगा। अच्छा। सब माल बन के कम्प्लीट हो गया, उसका मिट्टी का खर्चा, फिर बनाने का खर्चा, फिर फायरिंग का खर्चा और बॉक्स पैकिंग खर्चा। राइट। तो आपको 50% वो घर में गिरेगा। राइट। अभी उसका मार्केट वैल्यू अभी के मतलब अभी उसका मार्केट वैल्यू 1.5 रुपया है उसका, 1.5 रुपया होल से 1.5 रुपया है उसका। तो एक दिन के अंदर ये 3,000 पीस दिए बनते हैं छोटी वाली मशीन में, तो समझ लो महीने का 50-60 हज़ार तक आप कमा सकते हो मशीन से। तो सर सबसे मेन बात आती है इसमें इन्वेस्टमेंट की, अगर मुझे पूरा ये प्लांट सेटअप करना है तो इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? अगर आपको एक बिजनेस स्टार्टअप करना है तो पहले बेसिक मॉडल है कि क्ले कटिंग मशीन। अच्छा। जिसमें मिट्टी के दाने बनते हैं, मिट्टी का लम्स होता है। हाँ। उससे मिट्टी को दाना करना पड़ता है। राइट। तो उसकी उसका प्राइस है 29,000 रुपया है। राइट। 29,000। उसके बाद नेक्स्ट मशीन आएगा वो प्रेस मशीन आएगा। हाँ। अगर आपको दिया करना है तो 4 फीट का मशीन लगेगा आपको, उसमें सिर्फ दिया बनता है। उसमें सिर्फ दिया बनता है 4 फीट, 4 फीट के अंदर। ओके। उसकी कीमत है 27,000 रुपया। ओके। 4 फीट वाला मशीन की। दूसरा जो हमारा उससे बाद बड़ा मशीन आता है 5 फीट वाला, उसके अंदर आप कुल्हड़ बना सकते हो, कटोरी बना सकते हो, गिलास बना सकते हो, ये स्क्रब आपको देगा, स्क्रब भी आप बना सकते हो उसके अंदर।
उसकी कीमत 44,000 रुपया है अभी। और सबसे बड़ा वाला मॉडल है उसको, जिसको हम 6 फीट वाला बोलते हैं, उसके अंदर आप बड़े बड़े बाउल बना सकते हो, फिर चाट प्लेट, फिर बड़े ग्लास 150 ml से 250 ml तक बना सकते हो, 200 ml का बना सकते हो। उसका प्राइस 55,000 है 6 फीट के मॉडल की कीमत। उसके साथ आपको डाई लेना पड़ेगा, अलग से ख़रीदना पड़ेगा, उसके साथ कोई डाई आता नहीं है। डाई का खर्च अलग रहता है? डाई का खर्च अलग रहता है। तो डाई का जो खर्च होता है वो 13,000 से 15,000 के बीच में होता है, डिपेंड ऑन डिज़ाइन कि आप कौन सा डिज़ाइन सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आपको ये मिट्टी के प्रोडक्ट्स बनाने का बिज़नेस शुरू करना है, दिया बनाने का बिज़नेस या फिर कुल्लड़ बनाने का बिज़नेस शुरू करना है, तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें खुद विजिट करके कॉल करके इस बिज़नेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।